राम राम सारिया ने। राम राम भाई सारिया ने। तो भाई हम चल पड़े हाँ मलेशिया छोड़ गया अगली कंट्री में। तो बता दे फिर पंकज दोस्त हो ना भाई, जाके बतावांगे कौन सी कंट्री है। ये भी नहीं बतांदा भाई, ये भी नहीं बतांदा ये भाई। मजा तो भाई जिले है बतान का। एक तो तंदर दिखावा सीधी, अरे कुरे बात बात कर रहा बात का मजा को नहीं उठ जाएगी। दिखावा है तमने किसी कितनी बढ़िया कंट्री है। चलो भाई कंट्री है, बने रहो आपने दिखावा अगली कंट्री, अगला देश कौन सा है। चलो भाई सवेरे के बज चुके हैं 8, मैं बैठ लिया भाई बस में और जान लग रहे हैं एयरपोर्ट पे। एक बार बस किसी का है आप भी देखो जरा। देखो भाई देसी बस है भाई, एसी अपना जो वोल्वो टाइप है बस है भाई। हाँ अपना ही वोल्वो तो भी कमेटी में बढ़िया है, अपना ही वोल्वो में भी इतनी कम्फर्टेबल सीट बन जाती है। आराम तो इसमें पूरा नू ला लियो, डबल वेट का आदमी आराम तो कम्फर्टेबली बैठ सके। नू ला लियो भाई सोफा दे रहे हैं उसको बैठे हो। सोफा तो भी मैंने कहा मतलब नीचे सोफा में पैर स्पोर्ट हो जाता है, लेकिन इसमें तो बोल वो पसी पैर स्पोर्ट है पूरा। तो बने रहिए कौन सा एयरपोर्ट पर फिर मिलते हैं दोनों। पहुंचे गए हाँ एयरपोर्ट पर, अगली कंट्री खतर प्रस्थान करने लग रहे हाँ। पंगे थोड़ा रह गया ले, उसका बिरानी केक हो गया, केक हो गया कुछ नहीं भाई, बस रील बनानी सोचू था एक। ओ तरीका ले भाई, वो मार दिया रील ने भाई, रील की दुनिया था, रील की दुनिया में थे। जहाज छूट जाएगा वहाँ भी दुनिया लड़की है थोड़ी, जहाज छूट गया तो फिर वहाँ स्टोरी करता लाओगा जाट इन जहाज। चलो भाई क्या भाई दिखाते हैं आपको। ठीक है भाई बने रहो और देखते रहो करो इंजॉय। भाई कैमरा तो सर माओ पंकज ने बार बार कैमरा ना चला कर कड़िया वो लोग छूट ना गया अगर बता यार, जब मैं वो लोग छूट नहीं करो तो पंकज के दिखाओगे आप भाई। वहाँ तो चलो ठीक है लेकिन बार बार कैमरा में कैमरा देख देख के बोर हो रहा है भाई। 6 दिन हो लिए अब तक इसकी कैमरा की शर्म नहीं बची है। शर्म तो लगो नहीं आती, शर्म थोड़ी है फिर यार बार बार फोन मुंह पर गलियां ना दे। एक मतलब आलस सा लग गया कि फोटो एकदम कैमरा का। चलो भाई कोई नहीं, तेरा आलस भी 20 दिन अपने पर हुए जाऊगा। और ये पहुंच गया इंडोनेशिया की धरती पे।
बाद उन्हें अपने पैर टेक दिए भाई, और रनवे पे बज रहे हैं बिल्कुल। बहुत सारी है इंडोनेशिया और देखो बाहर का व्यू, चलो मिलते हैं इमिग्रेशन के बाद जल्दी आपको। यो भाई हम एयरपोर्ट पर आए हैं, सीमा के रेट में हमने तो कुछ सेम और डिफरेंस मोबाइल सेम रेट सेम प्राइस को मैं सब मिला सकती है। इसका हमारा प्रेडियो 3.5 लाख रुपये का, 3.5 लाख रुपये का सही सुनता हूँ, 35 GB इंटरनेट मिलता है। कोई मांग रही लोकल कॉल भी नहीं कर सकते, सिर्फ 35 GB इंटरनेट मिलता है। हेलो देखो आप बहुत सी इनकी कागज़ करवाई है भाई, एक सिम कट कर फोटो उतरा है तो सबका काम हो गया। इस तरह से तो मलेशिया में देने मामले, मलेशिया में मामले सिर्फ पासपोर्ट दिया, उसे टेबल की सिम दे दिया, कुछ नहीं होता है। मलेशिया में तो हमारे 450 का सिम दिया था, अनलिमिटेड इंटरनेट अनलिमिटेड कॉल, जिसमें हमने इंटरनेशनल कॉल भी करिए करा, दिक्कत हो गई वैसे नॉर्मल कॉल और वो भी सिम कर फोन के EMI नंबर ले के उसके बाद सिम लगाई सीधा सिम मिल गया। बहुत सारी आइडेंटिफिकेशन हुई है, आइडेंटिफिकेशन करके वहाँ भाई वहाँ तो जितना जल्दी वहाँ हमें इस देश का वीज़ा मिला था नहीं, मारा यूँ लगा था कि हाँ भाई ठीक ठाक देश पाऊँगा, लेकिन जो उड़ान के बाद हमारी हालत ख़राब हुई है नहीं, खतरनाक ही सीन था भाई। पहले इमिग्रेशन पर बकवास मारी थी, इमिग्रेशन के बाद कस्टम के फॉर्म फिल करने थे, उसके बाद जाके बाद पता चल रहा था कस्टम के अलग था इंटरनेट दे रखा था वाईफाई, एयरपोर्ट के अंदर अलग वाईफाई था, एयरपोर्ट तो बैठ तो क्योंकि एक्टिविटी बोल के बस कसूर तो सीन आ गया था। बाहर आने के बाद भाई हमने करेंसी चेंज करवाई पहले, तो उसके बाद मतलब वाई फाई था वो एयरपोर्ट का अलग था, थोड़ा सा बाहर के बाद उनके सिस्टम का अलग था, घना सीन था वही का कस्टम वाला वाई फाई तो कुछ भी चल रहा था। और ये भाई लग रहे अपने सिम एक्टिवेट कर, बहुत ज़्यादा यत्न प्रयत्न के बाद आखिर में हमारा सिम तक चल रहा। अब एयरपोर्ट तक निकल गया, हमने बस पूछी, बस में बैठ के कि बस मिली है, इसने पर पर्सन जकार्ता सिटी में पहुँचा के 75,000 रुपये की एक टिकट हुई हमारी, 1.5 लाख रुपये की दो टिकट है। बस की टिकट कितनी होगी और देखो आप बस किसी है करके बताओ, सोच भी कर सकते भाई। कुल मिला के नहीं ठीक ठाक है, 75,000 रुपये दे रखे बस का पूरा है कि भाई हमारे गला हो गया था थोड़ा सा। बस में जिसमें हम बैठे थे उसने वहाँ में चाहिए थी हमारी पहुँच गया दो चाहिए थे एयरपोर्ट तक, दो दिन आगे 75,000 की टिकट मिली, 1 लाख रुपये नहीं मिले भाई तारे होटल में छोड़ के हमारा, होटल था हमारा उधर 5.5 किलोमीटर के 1 लाख बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करके 55,000 में ये ऑटो वाला कर लिया, मतलब कोई और कॉल नहीं कर रहे सिर्फ व्हाट्सएप कॉल, जो थोड़ा सावधान रहो सही लोकेशन पर बोलता है। मैंने बड़ी दिक्कत यह थी कि भाई वो कोई वो कौन था लैंग्वेज की दिक्कत थी, किसी ने भी सावधान लेनी पड़ेगी ऑटो लेना पड़ेगा, काम चलाया था इस टाइम पर हमारा आएगा साथ ऐसा कुछ व्यू होगा जकार्ता की सड़क का।
टम्पू पड़ा भाई, ये टम्पू पड़ा हमारा 55,000 रुपया का, 5 किलोमीटर जाना था, 55,000 रुपये ला गए इसमें। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में पहुंच चुके हैं और भाई भाई बहुत परेशानी हुई है, एक्सपीरियंस भाई बहुत ज़्यादा बुरा गया हमारा। जितना मतलब इस देश की जितना मतलब करेंसी लो है नहीं, एक ही सोच ले उस पर ज़्यादा है भाई, हर चीज़ें इतनी महंगी है, बस पूछो ना। जो सोच के आए थे उसका उल्टा पाया, और ज़्यादा न्यू और भी चीज़ें भाई बहुत महंगी मिली है, मतलब हर चीज़ महंगी है। बाकी टिकट वगैरह जो ट्रैवलिंग का है वो महंगा है, बाकी देखा भी खाना पीना सस्ता है वो भी महंगा है। तो भाई जो हम देखेंगे वो आपकी बताएंगे, तो हमारे साथ बने रहिए और इन्जॉय करते रहिए भाई। इतने तो फिर आए हैं भाई, इतने 7 दिन और है हमारे पास जकार्ता में, दिखाते हैं आपको भी, बने रहिए साथ में। होटल पहुँच लिया, एक बार पहुँच गए हाँ अपना होटल में। चलो कार्ड मिल गया है, देखते हैं होटल की साथ है। ओहो ये अपना पंकज पहले पहुंच गया था भाई, भाई ने पहले पहुंच के ना अपना सेटल कर लिया सारा सिस्टम, बैग बुक दर दिए है, और तो बाहर का तो कौन दिखा यार, फिर भी जिसा किसान दे रहे हो दिखेगा। देखो ये बाहर का सीन है। तो भाई पूरा इंडोनेशियन मार्ट का नाम तो है जो 24/7 है, उसमें गए थे, ब्रेड और दूध लेके आए थे। तो कितना का पड़ा पंकज ब्रेड और दूध? 16,900 का तो भाई दूध था, और 18,000 का ब्रेड का पैकेट था। दिखाऊंगा अपना, यह दूध और यह ब्रेड, 16,900 का दूध आया, 18,000 का ब्रेड आया है। दूध और ब्रेड लेके जान लग रहे हैं अपना होटल में, जाके बनावांगे खावांगे। ब्रेड हम ले आए थे, और ये अपने पंकज भाई लग रहे हैं काम करन, कारवाई पे लग रहे हैं। पंगे किसे बना देगा फिर आज भाई? बढ़िया भाई, भूख लग रही जमा जी, लिकड़न हो गया जमा, बस वहाँ बात है कि मैं करना दूर खाना पड़ेगा बस, बाकी हिम्मत तो देखाएगा नहीं बाकी करना पड़ेगा, इतनी भूखे मरांगे। तो फिर टोटल ओवरऑल के एक्सपीरियंस रहा तेरा ट्रैवलिंग का भाई? एक्सपीरियंस तो भाई जिंदगी में कभी कड़ी गई बंदे पहली बार निकले हैं, ठीक है। तो कैसा अनुभव हो रहा फिलहाल? अनुभव तो ठीक है भाई, नई नई चीज़ें सीखने नहीं मिला, लेकिन भाई तंग भी बहुत हो रही है, मतलब दिक्कतें तो आवे है स्टार्टिंग में किसी चीज़ में। के बरा यार, मैंने सुना था ट्रैवलिंग तो आसान कोई काम ही कोनी यार पंगे, तो को दिक्कतें घनी आओ है, के दिक्कत आई भाई बता? दिक्कत भाई सारी चीज़ सोच के चढ़नी पड़ा है, एक तो ई वर्ड तो आए बस ढूंढने में भाई दिक्कत थी, जुगर है मलेशिया में थे बस आराम से पैगी सब्जी में, लेकिन उड़ा बहुत ज़्यादा एक तो चीज़ें महंगी है, फिर ऊपर तो पानी बनी है, ऊपर तो इनके चौंचले ऑटो वाला तेरे 5,000 रुपये कम कर गया यार, तो को चौंचले वो तो कम कर गया, थे उस पर खुल ले जिद कम कर गया, वो खुल ले रहा था वो, मैंने देखे थे मैंने देखा वो हाथ मारता उसने पाई बन, फिर उसने दे दिया, फिर उन्होंने चल दिया 5,000 वो मतलब 50,000 दे दिए। 55,000 में ऑटो वाला आया था भाई, 5,000 रुपये डिस्काउंट दे गया वो बंदा भावने, मतलब हेल्पिंग नेचर तो है यार पंकज, देख कि मैं कर ले चाहिए भाई। देख शुरू में एयरपोर्ट से लिगड़े लैंग्वेज की दिक्कत आई अपन है,
ये हमारे इंडोनेशियन बोले थे। तो एक छोरा था, उसने थोड़ी मोटी इंग्लिश आओ थी, उसने अपनी हेल्प करी। वो तो ड्राइवर का जो है कि जो एक व्यू देख के मतलब जो मजा आना चाहिए नी, मैं होटल में आके तो देखो मजा आया, बाकी जो बैंक का जो व्यू देखा नी इन लगे तो कड़िया गरीब देश में कई गरीब जगह मारे देश का जिनका खाने पीने के मन नहीं पड़ रहे। सच्चाई बताओ मन नहीं सा लगे कि आप खुद गरीब महसूस कर रहे हैं साथियों। ब्रेड तैयार कर लिए, ब्रेड पंकज ने तैयार कर दिए है, दूध में गाल दिया पंकज। लव भाइयों, दूध ब्रेड खा के और आप तो मिलेंगे कल, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए।